Anxiety is a silent epidemic impacting millions worldwide. Its grip can tighten on individuals, leading to severe depression and tragically even suicide. But how do we recognize the signs of anxiety? No expert insights on identifying anxiety before it escalates into a crisis. Hi, Monica. Hi, Gitika. Monica, could you please tell us something about yourself? Okay, so I'm a clinical psychologist. Not a clinical psychologist, not a psychiatrist, but I'm a psychologist. And मैं उन लोगों के साथ डील करती हूँ जिनकी प्रॉब्लम अभी शुरू ही हुई है लाइफ. यू कैन से ऑन प्रिवेंटिव एरिया वर्क चीजें शुरू हुई है, बिगड़ती शुरू हुई, आप संभाल सकते हैं. ओके, तो मोनिका जी आप काम करती हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट. हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड? रफली आई वुड से आई स्टार्टेड इन 2012, सो it's almost 12 year I have completed this year in the March. Excellent. So Monica ji, what is anxiety? Anxiety na ek bahut hi simple, bahut hi technical term hai. So define a very simple term. I mean, hum everyday basis pe kuch na kuch anxiety experience karte hain. For instance, अगर हम आज का ले, इट वॉज प्लान कि आज हमें 2 बजे मिलना है एंड आई हैव टू आंसर समथिंग, बट इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड इट इज गोइंग टू अ नेशनल प्लेटफॉर्म. तो सिंस द मॉर्निंग आई वेंट ट्वाइस वॉशरूम एंड मल्टीपल टाइम बीइंग एंड फीलिंग लिटिल एंग्शियस. सो ये भी सिम्टम है, बट ये टेम्परेरी सिम्टम है. अभी है, आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा एंड देन आई बी ओके. And anxiety किसी को भी हो सकती है क्या? Exactly, मुझे हो सकती है जो कि मैं mental health professional हूँ. आपको हो सकती है, आप नहीं हो. The only thing is हर किसी को हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं है. कोई इंसान mentally weak है या physically weak है, इससे कोई लेना देना नहीं है. Character का इससे कोई लेना देना नहीं है. Anxiety is a medical term. Medical condition that has to be diagnosed with professional, that has to be treated by professionals. It depends ki level mein. Kisi jane ko कैसे पता चले कि उसकी एंग्जाइटी इस लेवल पे पहुंच गई है कि एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? किसी जने को कैसे पता चले? तो एंग्जाइटी ना हम एवरीडे बेसिस पे फील करते हैं. जैसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं बॉडी के अंदर, कि आप किसी नए से मिलने वाले हो तो बटरफ्लाई फील हो रहा है. यू आर फीलिंग ओवरली एंथुजियास्टिक और एवरीथिंग, ठीक है. वो नेगेटिव होगा तो यू विल फील ब्रेथलेस, आपको पेट में अजीब सा होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपके बॉडी शिवर कर सकती है विदाउट एनी रीजन, ठीक है. तो जब हम ये एवरीडे बेसिस पे एक रूटीन में फील कर रहे हैं बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. अगर मैं इम्पैक्ट करूँ लाइफ में, हमारे 4 डोमेन होते हैं मेजरली. 1 इज आवर करियर, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है. 4 डोमेन है. अगर एक ही एरिया इफेक्ट हो रहा है, लेट्स से कि मेरे को जॉब का स्ट्रेस है, जॉब में ही मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, बट अदर एरिया ऑफ माई लाइफ इज बैलेंस्ड, मुझे वहां कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. द मोमेंट आई स्विच एनवायरमेंट, मैं अपने ऑफिस से घर चले गए तो एवरीथिंग इज फाइन, तो ठीक है. बट इफ इट इज अफेक्टिंग ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, लाइक पर्सनल लाइफ में आपको नींद नहीं आ रही है, आप अपनी हॉबीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप रेस्टलेस हो, आप मूवी देख रहे हो बट यू आर नॉट, यू कुड नॉट एबल टू फोकस, यू फील ब्लैंक मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. स्टमक पेन हो रहा है कंसिस्टेंटली, कई बार आपको पता होता है कि मुझे ये बीमारी, मतलब ये जो एंग्जाइटी है ये सर्टेन वजह से है, कि आज मुझे शाम को किसी से मिलना है, इंटरव्यू है, ठीक है, स्टफ हो रही है, तो यू नो कि ये रीजन है. बट कई बार क्या होता है ना, ये सिम्टम ना परसिस्टेंट हो जाते हैं 3 मंथ 6 मंथ, तब तक आपके पास रीजन भी नहीं बच जाता, बट स्टिल यू एक्सपीरियंस द सेम. सीरियस स्टफ हो जाते हैं. हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए एंग्शियस हो,
और एनवायरमेंट चेंज करने से आप खुश हो रहे हो, तो वो परसिस्टेंट एंजाइटी नहीं है। वो एंजाइटी जो लिंगर ऑन कर रही है ऑफिस में, जैसे बॉस ने डाल दिया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है गीतिका जी कि अभी आपने चेंज किया, मूड ठीक हो गया, बट आप वापस अपने घर पे आए तो सेम चीज फील कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट इज यहाँ पे चेंज ये है कि आप सो नहीं पा रहे हो, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पा रही है, और इस चीज को कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंस करते हो आपको 3 महीने से ज्यादा। अच्छा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है। जनरली मैंने देखा है एंग्जायटी, अगर जो मेरे क्लाइंट है जो जानते हैं कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ दे कैन यूज दैट, तो 7 मिनट से ज्यादा नहीं चलती है। अच्छा। एक एंग्जायटी, बट अगर वो नहीं जानता है तो वो एंग्जायटी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, एंड दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज उनका हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, उनको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। ठीक है, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो फेंट हो रहे हैं या उनकी बॉडी में कोई सेंसेशन ही नहीं है, ट्रम्बलिंग सेंसेशन फील होगी। सो ये जो सिम्टम्स है ये आपको कुछ भी करने नहीं देगा। आप जस्ट इमेजिन कि आप डिजीनेस फील कर रहे हो कि मैं उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही हूँ, उठूंगी तो शायद मैं गिर जाऊंगी, या सडनली आप गिर भी जाते हो खड़े हुए और गिर गए, तो इस सिनेरियो में आप काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इवन यू कांट एंजॉय द लेजर एक्टिविटी व्हिच यू आर ऑलरेडी एंजॉयिंग इन द पास्ट। मोनिका, जिस जने को लगता है कि मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं और मेरे को एंजाइटी है, तो मेरे को एक काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि लोग उन काउंसलिंग के लिए आगे आ जाते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स को इंडिविजुअल में कोई चेंज लगता है तो काउंसलिंग लेनी चाहिए, किस टाइम पे काउंसलिंग लेनी चाहिए? अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं थ्रू आउट दिस 12.5 ईयर ऑलमोस्ट, तो इंडिविजुअल खुद ही फील करता है देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो पहले कई बार हॉस्पिटल जा चुके होते हैं कि उन्हें शायद हार्ट अटैक आ। ठीक है, बिकॉज हार्ट अटैक के चेस्ट पे एक ऐसा सिम्टम है जो हार्ट अटैक में भी होता है, जो रात को 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के इमरजेंसी में जाके एडमिट हो जाते हैं कि प्रोबेबली दे माइट हैव एंजाइटी कार्डियक अरेस्ट। ओह माय गॉड, अच्छा, लोगों को लगता है कार्डियक अरेस्ट हो रहा है पर होता है एंजाइटी है। एंजाइटी है, तो वहां पे क्या होता है कि फिर 2 या 3 बार जब डॉक्टर्स ऐसा देखते हैं कि फिर वो चेक कर, बिकॉज वो वन टाइम में रोल्ड आउट हो जाता है। अगर आपके पास्ट में ऐसे मल्टीपल एपिसोड हो चुके हैं तब आई वुड रिकमेंड कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, बट अगर आपका पहला एपिसोड है एंड आप नॉट श्योर नहीं हो कि ये एंजाइटी हो सकती है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो फिर आप फिजिशियन के पास जाओ तो रूल आउट, क्योंकि एंग्जाइटी है तो हम उसे अगर डिले भी करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, रात को सुबह 4 बजे एंग्जाइटी अटैक आया है, आप शाम को 7 बजे किसी थेरेपिस्ट को मिल रहे हो, तो ये हार्मफुल नहीं होता। और एक एंग्जाइटी अटैक में लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एंग्जाइटी अटैक के? एंग्जाइटी अटैक एग्जैक्टली सिमिलर साउंड करता है हार्ट अटैक। अच्छा, सिमिलर साउंड करता है। बेसिकली एंग्जाइटी क्या है, हमारा फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी अटैक में कोई बैठे बैठे सडनली रोना शुरू कर दे डर के मारे, या कोई जना एग्रेसिवली बिहेव करे? नहीं, ऐसा नहीं होता, एक्सेसिव बिहेवियर नहीं आएगा कि वो इंस्टेंटली रोना शुरू कर दे, या फिर बिना कुछ आसपास में भी कुछ नहीं हो रहा वो भी चल रही है रोना शुरू कर दे, या फ्रेंड ग्रुप में बैठे रोना शुरू कर दे या गुस्सा करना शुरू कर दे, ये एंजाइटी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एंजाइटी ना जब आप अकेले हो उस टाइम पर ज्यादा आपको ट्रिगर करती है, लाइक आप सुबह सो के हो या रात को सोने जा रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर ये ज्यादा ट्रिगर करती है,
और अगर हम उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं करते, उसे ट्रीट नहीं करते, देन डेफिनेटली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर ऐसा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, देन बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे कि वो किसी भी बात से बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, या बहुत जल्दी उसके ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी दैट यू कैन डेफिनेटली ट्रीट नहीं होता, देन इट कैन लीड टू डिप्रेशन. अच्छा, तो मोनिका, आपके आसपास रहते हुए लोग जब आपका कोई बिहेवियरल चेंज देखें जो उन्हें लगे कि ठीक नहीं है, तो उन्हें काउंसलिंग के लिए लेके जाना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जिस जने को एंजाइटी हो रही है वो जना खुद एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे को काउंसलिंग चाहिए, या मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करता कि काउंसलिंग चाहिए और फैमिली मेंबर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं तो काउंसलिंग करा. तो एंजाइटी वाला पेशेंट होता है ना, मोस्टली हेल्पलेस फील करता है अपनी कंडीशन को लेकर. अच्छा, तो या तो उसे खुद इंसाइट आता है कि मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इंडियन सिनेरियोस की बात करें तो मेजरली जो पेरेंट्स हैं वो 40s अबव वाले एज ग्रुप में है, मेजॉरिटी, ठीक है. तो ये अभी मेंटल हेल्थ के बारे में उतना अवेयर है, बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन को एक्चुअल मेडिकल कंडीशन की तरह से परसीव करते हैं, बट मेजरली नहीं करते हैं. तो मोस्टली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स नहीं लाते. बच्चे होते हैं, जो एक्चुअल पेशेंट होता है वो कन्विंस करता है कि मुझे हेल्प चाहिए तो मुझे लेके सर. बट यस, देयर आर सर्टेन पीपल, देयर आर सर्टेन पेरेंट्स जो अंडरस्टैंड करते हैं, गूगल करते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, उसे क्या हेल्प चाहिए, तब भी वो लेकर आते हैं. तो जो एंग्जाइटी वाले पेशेंट हैं वो थोड़े हेल्पलेस होते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, तो वो इमीडिएटली अग्री भी करते हैं कि ओके ठीक है मुझे लेके जाओ. मोनिका, बहुत सारे यंगस्टर्स के सुसाइडल केसेस आ रहे हैं. In fact, people studying in IIT have also committed suicide. And बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और एक नोट लिख देते हैं कि हमसे तो क्लियर नहीं होगा, या किसी बच्चे के भाई 90%+ नहीं आए तो सुसाइड हो गया. तो क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअली एक एंग्जाइटी लेवल से शुरू होता है और एंग्जाइटी लेवल डिटेक्ट नहीं हो पाता तो वो बढ़ता चला जाता है और सुसाइड में रिजल्ट कर देता है? ऑफ कोर्स उन्हें एंग्जाइटी होती है कि हाउ पीपल विल इज गोइंग टू जज यू अबाउट योर मार्क्स, अबाउट सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, अबाउट सिलेक्शन ऑफ कैंपस, अबाउट सिलेक्शन ऑफ देयर करियर चॉइसेस, ठीक है. एंड पेरेंट्स का इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, पेरेंट्स का नहीं भी है तो सोसाइटी का इतना एक्सपेक्टेशन होता है. एंड देयर वर वन ऑफ माई क्लाइंट जिसने खुद पर ही इतना स्ट्रेस डाला हुआ था कि मुझे तो ये कॉलेज नहीं मिला, देन मेरी लाइफ इज हेल, मेरे तो लाइफ का कोई गोल ही नहीं बचा है, ठीक है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है वही लीड करती है अल्टीमेटली एंजाइटी में. एंजाइटी ट्रीट नहीं होती है देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोलॉन्ग डिप्रेशन. तो डेफिनेटली यस. ओके, सो ऐसे बच्चों को, जब बच्चों को लगता है कि पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस आ रहा है या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस है, उन्हें उसी समय अपनी एंजाइटी से डील कर लेना चाहिए ताकि वो बढ़े ना, इज इट? उसके लिए बहुत सारे सर्विसेज स्कूल कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. कई बच्चे ऐसे भी हैं जो एंजाइटी को एज अ टूल लेकर उसे मिस यूज कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, ठीक है, बट मैं उनको एड्रेस ना करते, मैं उनको करूंगी जो जेन्युइनली एंक्शियस हो जाते हैं अपने एकेडमिक्स को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर. तो इसके लिए ना हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लॉज निकाले कि हर स्कूल में एक काउंसलर होगा जो छोटी मोटी चीजों को अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है. दे आर इक्विप्ड विद टूल्स, ठीक है. तो है डेफिनेटली इसकी नीड है और उन्हें लेना चाहिए. मोनिका, सोसाइटी में एक नोशन है बहुत सारे पेरेंट्स में, वो नोशन ये है कि अगर हमने साइकेट्रिक हेल्प ली या हमने काउंसलिंग ली तो हमारे बच्चे के बारे में या हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे अगर लोगों को पता चल गया, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगी कि लोग क्या कहेंगे, चलो उनको साइड रखे, अब अपने बच्चे के बारे में ज्यादा सोच सकते बिकॉज सी स्टिग्मा है जाते जाते जाएगा. अगर मैं बात करूँ 12-15 साल पहले जब मैं के साइकोलॉजिकल एजुकेशन में थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन मास्टर्स में थी, तो नहीं थे लोग अवेयर. मेरे पापा को आज भी नहीं पता कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ. अगर आज भी उन्हें किसी को मेरे बारे में बताना है तो वो यही कहते हैं कि मेरी बेटी पागलों का इलाज करती है, बट दैट्स नॉट ट्रू. राइट, एग्जैक्टली. ठीक है, सो बट अगर मैं आज की डेट में देखूं, आफ्टर 12 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, पेरेंट्स अवेयर हैं, ला रहे हैं, मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स ला रहे हैं उन्हें. इवन कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं होती कि काउंसलर के पास जाना इज नॉट द प्रॉब्लम, पेरेंट्स में होती है. मोनिका जी, कोई आप मेरे को बता सकते हैं ऐसा जना जिसे आपने ट्रीट किया हो काउंसलिंग से? हाँ, एक मेरा क्लाइंट रहा है, 6 months हो गए उस क्लाइंट को. नहीं, मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, कटरा जिला. हाँ हाँ, प्लीज. एनी एक एक क्लाइंट मुझे मिली लॉकडाउन के टाइम पर. इट वाज लाइक 2020 में, एंड ऑफ 2020 उस टाइम पर एक क्लाइंट आई. And she was experiencing like anxiety for 6 months, complete. And वो उस anxiety treatment को उसे लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी भी तरह का mental health issue. और वो हर बार जब भी उसे anxiety होता था, वो हमेशा hospital चली जाती थी. And each time doctor उसे यही recommend करते थे कि आपका anxiety है, आप counselor के पास. But उसे लगता था मुझे तो हो ही नहीं सकता, mentally very strong headed. वो तीसरे के पास जाती, मतलब हर बार कोई और डॉक्टर, सो दैट उसे वो डायग्नोसिस मिल सके कि यस उसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज ही है बजाय के एंजाइटी. अच्छा, ठीक है. बट हुआ ये कि अल्टीमेटली जब उस 7 डॉक्टर्स विजिट करने के बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि हर डॉक्टर एक ही बात क्यों कर रहा है, तब उसने सोचा कि चलो एक ट्राई कर ही लेते. देन शी केम टू मी. उस टाइम पर क्योंकि सेशन बहुत लॉकडाउन के चक्कर में सेशन ऑनलाइन हो रहे थे, तो वीडियो कॉल पे हमारे सेशन हुए एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ी. देन विद इन 3 सेशन उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लगा. अच्छा, और 3 सेशन मीनिंग 3 weeks. अच्छा, सिर्फ 3 weeks में उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लगा. एंड देन उसने बिलीव किया कि उसे एंग्जाइटी थी. एंड जो भी हमने हमारा टोटल 10 सेशन तक हमने काम किया, CBT अप्लाई की, रिलैक्सेशन थेरेपीज अप्लाई की, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, ठीक है. एंड देन उसके बाद वो लड़की इतना अच्छा करने लगी, उसका लाइफस्टाइल, अभी वो स्पेन सेटल हो चुकी है और अभी इंडिया आई थी तो मुझसे मिलने आई. एंड देन शी सेड कि मैं वो सिमिलर लाइफस्टाइल अभी तक फॉलो कर रही हूं जो आपने रेकमेंड किया. मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि किस टाइम पे एक इंडिविजुअल ये डिसाइड करता है कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, या साइकियाट्रिस्ट और काउंसलिंग हैंड इन हैंड जाते हैं या सिर्फ काउंसलिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? एक्चुअली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. अच्छा, ठीक है. अगर नॉर्मली क्या होता है, जब आपको शुरू शुरू में चीजें शुरू हुई होती हैं, देन आप जाते हो, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एरिया ऑफ वर्क है प्रिवेंशन, होते साथ मेरा काम शुरू हो जाता है कि ये कोई और लेवल क्रॉस ना करे. ठीक है, तो अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है इनिशियल लेवल में, तो प्रोबेबली उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोबेबली चांसेस भी, ठीक है. और कई बार क्या होता है, वो भी जाती है तो साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करके आपको गाइड भी कर देता है कि आप साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प, यानी कि आपको मेडिसिन
भी चाहिए तो आप उसकी भी हेल्प ले लो, सो दैट क्योंकि बहुत सारे केसेस में मेडिसिन एंड काउंसलिंग दोनों एक साथ काम करना जरूरी होता है. जैसे मॉडरेट लेवल हो जाए अगर एंग्जाइटी का या हाई लेवल हो जाए एंग्जाइटी का तो मुझे मेडिसिन देनी ही पड़ेगी, बट मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं. तो यहाँ पर रोल डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट का है. तो कोई किसी के मतलब दोनों हैंड इन हैंड भी जा सकते हैं एंड काउंसलिंग इंडिविजुअली ही काम करती है अगर सीवियरिटी. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंग्जाइटी शुरू होती है या आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी है तो एक काउंसलर से बात कर लेनी चाहिए ये जानने के लिए कि किस लेवल पे है एंड प्रोबेबली कुछ टाइम की काउंसलिंग से ठीक हो सकता है. लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते जाओगे तो वो एक साइकियाट्रिस्ट के लेवल तक पहुंच सकता है. अच्छा मोनिका जी, एक चीज और है, जो लोग साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलिंग को हैंड इन हैंड लेते हैं वो लोग, कुछ लोग पेशेंट को पागल ही बुलाना शुरू कर देते हैं कि आप तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो काउंसलिंग लेते हो आप तो पागल. तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको कहूंगी कि थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ, बिकॉज ये इन लोगों के लिए ही नहीं है. मैं हर उस, क्योंकि हम ना इन जनरल भी, कि अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट अभी पीछे इसी लास्ट वीक की आई एंड जब भी उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे शायद काउंसलर की जरूरत है या मुझे किसी हेल्प की जरूरत है, तो पेरेंट्स ने कहा कि ज्यादा सोचा मत कर, तेरे सोचने से ही प्रॉब्लम है, पागल मत बन. एग्जैक्टली, ठीक है, ये तो नॉर्मल घर में होता है एंड विदाउट बीइंग अवेयर कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है. ठीक है, तो वो तो प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली बीइंग सेंसिटिव बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सेंसिटिव रहो, आप जो वर्ड्स चूज कर रहे हो. दूसरा, हम भी नॉट, मैं हमसे मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात कर रही हूँ कि हम नॉर्मली भी बात करते हैं. कल कुछ हुआ और मैं आज कल रात से परेशान हूँ एंड देन सडनली आई विल कॉल अ फ्रेंड और आज मैं सुबह से डिप्रेस हूँ. राइट, मैं एंशियस फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं. मैं सबको सुबह से सैड हूँ बस. ये इसका डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से कोई लेना देना नहीं. आप सिर्फ टेम्परेरली सैड फील कर रहे हो. तो कई बार ना हम जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं. हम अपने खुद को ही लेबल कर लेते हैं. या नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में अभी अगर बात हो तो यार तू पागल मत बन, तुझे तो तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, प्रोबेबली यू नीड हेल्प. ठीक है, सो हमें अपने वर्ड्स को लेके थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, बिकॉज जो मेंटल हेल्थ एरिया है अभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. Exactly. इतना ग्रो नहीं हुआ है. स्टिग्मा अब भी बहुत ज्यादा है लोगों के बीच. थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड यू हैव गिवन अ लवली मैसेज to all the youngsters and in fact to all the people that if they feel that they're getting anxiety they should get it cured at a correct time so that it doesn't become suicidal for no rhyme or reason. It's just an anxiety and anxiety should be handled, and even when parents feel that the child's feeling anxiety and the child brings up the problem, then the parent should bring the child to the counselor. Thank you so much, Monica ji. And you really feel that the number of suicides that are happening can really go down if anxiety is handled at the right stage. बिल्कुल, right stage, right words. अगर हम words भी अपने आसपास से change कर लें, अपनी vocabulary थोड़ा सा build up कर लें, rather saying कि तुम्हें professional help की जरूरत है, तो भी हम बहुत सारी चीजें change कर सकते हैं. Just meet a friend. I mean, we can just tell the youngster that instead of saying that there's a counselor, there's a psychiatrist, we can just tell the youngsters that let's go and meet a friend, you know, you can talk your problems with your friend. Or ek aur cheez hai ki if you are visiting a psychologist or counselor, share it. Aap wo bhi dekhne chahte ho, aap apne Facebook par, apne Instagram par photos click karte ho, dalte ho. But agar aap kisi counselor ke paas ja rahe ho, to share on your social media. अगर जितना मैक्सिमम लोग इस चीज को शेयर करेंगे कि हम गए थे, ये उतनी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा. एब्सोल्युटली, फिर सारे जने यही सोचेंगे कि एंजाइटी है, चलो एक दोस्त के पास जाके बात कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट यू नो वी हैव अ साइकोलॉजिकल इशू, वी आर गोइंग टू द काउंसलर, यू नो
Absolutely. So people, when they meet and they get the counseling done, they should share it on their Instagram profile so that if somebody else feels anxious, the person can also take it at ease. Correct. Thank you so much, Monica ji, for your valuable time. You're welcome. Thank you so much. Ye platform dene ke liye. Hey, thank you. It's going to help many. Of course. I would like to. Thank you. Okay. Bye. Bye-bye. Bye.